नमस्ते, मैं शौर्वानी। मेरे शाहोजी सुस्वादु चैनल में आपको हार्दिक स्वागत है। मेरा आज का रेसिपी पायेश, खजूर गुड़ से बने हुए बंगाली ट्रेडिशनल एक डेजर्ट है। ये बहुत स्वादिष्ट होता है और आसान भी है ये बनाना। ये बनाने के लिए 50 ग्राम एरोमेटिक चावल लेना पड़ेगा। इसको धो के एक ठो सूती के कपड़े के ऊपर फैला देंगे ताकि पानी सूख जाए। 10 से 15 पीस किशमिश लिया, इसे भी 15 मिनट के लिए भिंगो के रख। फुल क्रीम मिल्क 1 लीटर लिया। दूध के साथ चावल का रेशियो ठीक होना चाहिए प्रॉपर पायस बनाने के लिए। मीडियम फ्लेम में रख के दूध को उबालेंगे। एक ठो तेज पत्ता दिया, ज़्यादा नहीं दिया क्योंकि गुड़ का फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। गुड़ से आज ये बनाऊंगी। चावल का पानी सूख गया है, अभी इसे दूध के साथ ऐड कर देंगे। ऐसे चावल को सूखा लेने से चावल जल्दी पकता है दूध के अंदर। नमक 1 चुटकी दिया, इसे मीठा का बैलेंस ठीक होता है। मीडियम फ्लेम में रख के पकाएंगे, बीच बीच में चलाएंगे। एक ठो पैन में 2 छोटा चम्मच देसी घी लिया, इसमें 10 से 15 टुकड़ा काजू को फ्राई करके रखेंगे। इधर चावल भी पक रहा है दूध के अंदर। चावल 80% कुक हो गया है। अभी इसमें फ्राई किए हुए काजू को ऐड करेंगे। फ्राई किए हुए काजू को घी के साथ दूध में मिला देने से एक बहुत अच्छा फ्लेवर होता है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा बनता है पायस का। वो जो भिंगो के रखा था किशमिश, इसे भी ऐड कर देंगे दूध में। बीच बीच में चलाएंगे और चावल भी पक गया है लगभग 90%। अभी इसमें गुड़ ऐड करना चाहिए, लेकिन फ्लेम को ऑफ करके 5 मिनट बाद गुड़ को ऐड करेंगे। फ्लेम को ऑफ कर दिया। 5 मिनट बाद ये जो खजूर का गुड़ 150 ग्राम इसे ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद फिर फ्लेम को ऑन करेंगे। ऐसा तरीका से गुड़ को मिलाने से गुड़ दूध में जाके दूध फटेगा नहीं। गुड़ ऐड करने के बाद चूल्हा को धीमी करके ही रखना पड़ेगा। 1 लीटर दूध से खीर होके जब 500 ml में आ जाएगा तब आपको मालूम पड़ेगा क्या ये पायस रेडी हो गया है, बन गया है बहुत ही स्वादिष्ट बंगाली ट्रेडिशनल नोलेन गुड़ेर पायस। मैं आपके ग्रेटफुल हूँ क्योंकि आपने मेरे रेसिपीज को पसंद किए हो, लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब किए हो। धन्यवाद।